बंदरों की लड़ाई में पुरानी बिल्डिंग की दीवार गिरी। मलबे में दबने से 5 लोगों की हो गई मौत। यूपी के जिला मथुरा में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पुराने मकान का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे भारी नुकसान हो गया है। मलबे की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिली है घटना बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर दुसायत के गिरधारी बगवाला की है। बताया गया कि हादसे में अन्य और कई लोग भी घायल है। दुर्घटना शाम 5:30 बजे की है। बारिश के कारण इमारत में पानी भरा हुआ था। ऊपरी दीवार बंदरों के झगड़ा करने के कारण गिर गई है। आइए सुनते हैं जिला अधिकारी ललित खरे ने क्या कहा। वृंदावन में स्नेह बिहारी मंदिर के पास जो गलियां हैं, उनमें आज एक दीवार और छज्जा जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका गिरने से एक दुखद घटना हुई है यहाँ पे, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है और 4 अभी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाज के लिए हम लोगों ने अच्छी डॉक्टर्स की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है। अस्पताल जाके भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि वो 4 श्रद्धालु जो अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो सकुशल ठीक हो जाएंगे और उसमें जो भी मुआवजा होगा उसको भी सरकार की तरफ से वो भी दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये दीवार और छज्जा जो गिरा है उसकी वजह से देखिए प्रथम दृष्टया हम लोग देख रहे हैं कि आज भी बारिश काफ़ी हुई है वृंदावन में और पिछले कुछ दिनों में भी हुई है। दीवार और छज्जा जो गिरा है उसकी प्रथम दृष्टया ये वजह लग रही है, लेकिन इसकी जांच विस्तृत कराई जाएगी कि क्या एग्जैक्ट कारण रहा, तो उसकी जांच का एक विषय है ये, उसकी जाँच काफ़ी मकान उसको लेकर क्या करेगा। देखिए ये नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लगातार इसमें लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं, जो कि रासू मकान है उनको चिन्हित भी करा गया है, हटाए भी गए हैं वो मकान जो है, और इसको आगे भी देखा जाएगा कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उन्होंने मकान हटाए या नहीं हटाए, और जिसको नगर निगम की तरफ से भी इसकी कार्रवाई कराई जाएगी। वृंदावन में स्नेह बिहारी मंदिर के पास जो गलियां हैं, उनमें आज एक दीवार और छज्जा जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका गिरने से एक दुखद घटना हुई है यहाँ पे, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है और 4 अभी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाज के लिए हम लोगों ने अच्छी डॉक्टर्स की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है। अस्पताल जाके भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि वो 4 श्रद्धालु जो अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो सकुशल ठीक हो जाएंगे और उसमें जो भी मुआवजा होगा उसको भी सरकार की तरफ से वो भी दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये दीवार और छज्जा जो गिरा है उसकी वजह से देखिए प्रथम दृष्टया हम लोग देख रहे हैं कि आज भी बारिश काफ़ी हुई है वृंदावन में और पिछले कुछ दिनों में भी हुई है। दीवार और छज्जा जो गिरा है उसकी प्रथम दृष्टया ये वजह लग रही है, लेकिन इसकी जांच विस्तृत कराई जाएगी कि क्या एग्जैक्ट कारण रहा, तो उसकी जांच का एक विषय है ये, उसकी जांच काफ़ी मकान जो है मकान है उसको लेकर क्या करेगा। देखिए ये नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लगातार इसमें लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं, जो कि रासू मकान है उनको चिन्हित भी करा गया है, हटाए भी गए हैं वो मकान जो है, और इसको आगे भी देखा जाएगा कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उन्होंने मकान हटाए या नहीं हटाए, और जिसको नगर निगम की तरफ से भी इसकी कार्रवाई कराई जाएगी।